हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कैटरपिलर कंपनी की कैट 1402 के मोटर ग्रेडर की फुल जानकारी बताने वाला हूं। इंजन सिस्टम, व्हील हर पावर सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, मोल्डबोर्ड सिस्टम, टेंडम सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप सभी तरह की जानकारी बताने वाला हूं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसी तरह की जानकारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले इंजन सिस्टम की जानकारी बताते हैं। दोस्तों, इस मोटर ग्रेडर में कैटरपिलर कंपनी का अपना इंजन लगा हुआ है। इसका इंजन मॉडल कैट C7 है और इसका इंजन टाइप 6 सिलेंडर इनलाइन वाटर कूलर हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन विद टर्बो चार्जर है। इस इंजन का मैक्सिमम हॉर्स पावर 153 केवी एंड 205 एचपी 2000 आरपीएम के साथ पावर प्रदान करती है। इस इंजन का बोर साइज 110 mm है और इस इंजन का पिस्टन डिस्प्लेसमेंट 7.2 लीटर है। इस इंजन का स्ट्रोक 127 mm है और इस इंजन का मैक्सिमम टॉर्क 996 Nm 1300 आरपीएम के साथ देती है। इस इंजन का टॉर्क राइज 46% है। इस मशीन का कूलिंग फैन हाइड्रोलिक पिस्टन मोटर है। इस कूलिंग फैन का मैक्सिमम स्पीड 1925 आरपीएम है। इस इंजन में फ्यूल पंप कैटरपिलर कंपनी का फ्यूल पंप लगा हुआ है। इसका फ्यूल पंप टाइप हाइड्रोलिक एक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। इस इंजन का फ्यूल इंजेक्शन हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन है। इसका फ्यूल इंजेक्शन फायरिंग ऑर्डर टाइमिंग 1536-24 है। इस इंजन का लूब ऑयल कैपेसिटी 18 लीटर का है। इसका लूब ऑयल ग्रेड 15W40 ग्रेड का ऑयल है। इस लूब ऑयल प्लस लूब ऑयल फिल्टर को 500 घंटा के अंदर चेंज करने का कंपनी प्रोवाइड करती है। इस इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट वाटर 40 लीटर की कैपेसिटी है। इस इंजन का स्टार्टिंग सिस्टम डीसी 24 वोल्ट 180 एम्पीयर का है। इस वोल्ट को पूरा करने के लिए डीसी 90 एम्पीयर का दो बैटरी लगा हुआ है। इसका इंजन सेल्फ स्टार्ट मोटर 5 किलोवाट का है और इसका अल्टरनेटर डीसी 28 वोल्ट की है। इस मशीन का फ्यूल टैंक कैपेसिटी 305 लीटर का है। इस इंजन का फ्यूल फिल्टर सर्विस 400 से 500 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। दोस्तों, अब VHP यानी व्हील हर्स पावर सिस्टम की जानकारी, नेट पावर और ग्रॉस पावर दोनों की जानकारी। पहले नेट पावर की जानकारी। दोस्तों, इसकी एक नंबर गियर और दो नंबर गियर में नेट पावर 128 केवी एंड 171 एचपी पावर प्रदान करता है और इसकी तीन नंबर गियर में नेट पावर 135 केवी एंड 181 एचपी पावर प्रदान करता है और चार नंबर टू आठ नंबर गियर तक नेट पावर 143 केवी एंड 191 एचपी पावर प्रदान करता है। अब ग्रॉस पावर की जानकारी। एक नंबर गियर और दो नंबर गियर में ग्रॉस पावर 140 केवी एंड 188 एचपी पावर प्रदान करता है। तीन नंबर गियर में ग्रॉस पावर 147 केवी एंड 198 एचपी पावर प्रदान करता है। चार नंबर गियर टू आठ नंबर गियर तक ग्रॉस पावर 155 केवी एंड 208 एचपी पावर प्रदान करता है। दोस्तों, अब पावर ट्रेन यानी ट्रांसमिशन सिस्टम की जानकारी। इस मोटर ग्रेडर में ट्रांसमिशन कैटरपिलर कंपनी का ट्रांसमिशन लगा हुआ है। इसका ट्रांसमिशन टाइप डायरेक्ट ड्राइव पावर शिफ्ट सिस्टम है। इस ट्रांसमिशन में 8 स्पीड गियर आगे चलने की और 6 स्पीड गियर पीछे चलने की कंपनी प्रोवाइड करता है। इसका ट्रांसमिशन प्लस डिफरेंशियल फाइनल ड्राइव में 60 लीटर ऑयल की कैपेसिटी है। इसका ऑयल ग्रेड कैट 75W90 एंड 85W140 ग्रेड का ऑयल लगता है। इस ऑयल को कम से कम 2500 से 3000 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। इस मशीन का टॉप स्पीड गियर देखा जाए तो 47.3 किलोमीटर प्रति घंटा आगे चलने की गति है और 37.4 किलोमीटर प्रति घंटा पीछे चलने की गति है। दोस्तों, इस मशीन का ऑपरेट गियर की जानकारी। पहले फॉरवर्ड गियर की जानकारी। इस मशीन का एक नंबर गियर में आगे चलने की गति 4.1 किलोमीटर प्रति घंटा है। दो नंबर गियर में आगे चलने की गति 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीन नंबर गियर में आगे चलने की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। चार नंबर गियर में आगे चलने की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। पांच नंबर गियर में आगे चलने की गति 17.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। छह नंबर गियर में आगे चलने की गति 23.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। सात नंबर गियर में आगे चलने की गति 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा है और 8 नंबर गियर में आगे चलने की गति 47.3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब रिवर्स गियर की जानकारी। इस मशीन का एक नंबर गियर में पीछे चलने की गति 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। दो नंबर गियर में पीछे चलने की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीन नंबर गियर में पीछे चलने की गति 8.7 किलोमीटर प्रति घंटा है। चार नंबर गियर में पीछे चलने की गति 13.7 किलोमीटर प्रति घंटा है। पांच नंबर गियर में पीछे चलने की गति 25.7 किलोमीटर प्रति घंटा है और छह नंबर गियर में पीछे चलने की गति 37.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ब्रेक सिस्टम की जानकारी। दोस्तों, इस मशीन का सर्विस ब्रेक एयर एक्टुएटेड मल्टीपल एंड ऑयल डिस्क ब्रेक सिस्टम है और इसका पार्किंग ब्रेक एयर एक्टुएटेड मल्टीपल ऑयल डिस्क एंड सेकेंडरी डबल सर्किट सिस्टम है। अब स्टीयरिंग सिस्टम की जानकारी। इसका स्टीयरिंग रेंज 47.5 डिग्री लेफ्ट एंड राइट है और आर्टिकुलेशन एंगल 20 डिग्री लेफ्ट एंड राइट है। इसका टर्निंग रेडियस आउटसाइड फ्रंट टायर 7.5 मीटर है। इस मशीन का फ्रंट व्हील स्पिंडल बेयरिंग हाउसिंग में गियर ऑयल 0.5 लीटर की कैपेसिटी है। इस गियर ऑयल का ग्रेड 90 नंबर गियर ऑयल है। इस गियर ऑयल को 2000 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। अब हाइड्रोलिक सिस्टम की जानकारी। दोस्तों, इस मशीन में कैटरपिलर कंपनी का अपना हाइड्रोलिक सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है। इसका हाइड्रोलिक सर्किट टाइप लोड सेंसिंग क्लोज सेंटर प्रोपोर्शनल प्रायोरिटी प्रेशर कंपेंसेटिंग सिस्टम है और इसका हाइड्रोलिक पंप टाइप वेरिएबल पिस्टन पंप है। इस पंप का मैक्सिमम हाइड्रोलिक फ्लो आउटपुट स्टैंडर्ड पंप 159.1 लीटर प्रति मिनट हाइड्रोलिक फ्लो करता है। इस मशीन का पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क करने के लिए मैक्सिमम हाइड्रोलिक प्रेशर 3698 PSI की जरूरत होती है। इस मशीन का
का हाइड्रोलिक टैंक कैपेसिटी 55 लीटर का है। इसका हाइड्रोलिक ऑयल ग्रेड 10W है। इस हाइड्रोलिक को कम से कम 4000 से 4500 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। इस मशीन का हाइड्रोलिक फिल्टर सर्विस 1000 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। अब मोल्डबोर सिस्टम की जानकारी। इसका मोल्डबोर ब्लेड चौड़ाई 3.7 मीटर बाय 12 फीट है और इसका मोल्डबोर हाइट 610 mm बाय 24 इंच है और इसका मोल्डबोर थिकनेस 22 mm बाय 0.9 इंच है। इसका ARC रेडियस 413 mm बाय 16.3 इंच है और इसका थ्रोट क्लियरेंस 120 mm बाय 4.7 इंच है। अब कटिंग एंगल की जानकारी। इसका कटिंग एंगल चौड़ाई 152 mm बाय 6 इंच है और इसका कटिंग एंगल थिकनेस 16 mm बाय 0.6 इंच है। अब एंड बिट की जानकारी। इसका एंड बिट चौड़ाई 152 mm बाय 6 इंच है और इसका एंड बिट थिकनेस 16 mm बाय 0.6 इंच है। अब ब्लेड पुलिंग ग्रॉस व्हीकल वेट की जानकारी। इसका बेस ग्रॉस व्हीकल वेट 9108 kg है और इसका मैक्सिमम ग्रॉस व्हीकल वेट 13379 kg है। अब डाउन प्रेशर की जानकारी। इसका बेस ग्रॉस व्हीकल वेट 7278 kg है और इसका मैक्सिमम ग्रॉस व्हीकल वेट 13963 kg है। इसका सर्किल ड्राइव हाउसिंग में गियर ऑयल 7 लीटर की कैपेसिटी है। इस सर्किल हाउसिंग का ऑयल ग्रेड कैट 15 ट्रांसफर ऑयल है। इस ऑयल को 2000 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। अब टेंडम सर्किट सिस्टम की जानकारी। इसका टेंडम सर्किट डिवाइस का हाइट 506 mm बाय 19.9 इंच है और इसका चौड़ाई 201 mm बाय 7.9 इंच है। इसका साइडवेल थिकनेस इनर साइड 16 mm बाय 0.6 इंच है और आउटर साइड 18 mm बाय 0.7 इंच है। इसका ड्राइव चेन पिच 51 mm बाय 2 इंच है और इसका व्हील एक्सल स्पेसिंग 1522 mm बाय 59.9 इंच है। इसका टेंडम एक्सीलरेशन फ्रंट ऑफ 15 डिग्री है और फ्रंट डाउन 25 डिग्री है। इस टेंडम हाउसिंग में ऑयल कैपेसिटी 64 लीटर है एक साइड। इसका ऑयल ग्रेड एक्सल ऑयल 80W90GL5 ग्रेड का ऑयल लगता है। इस ऑयल को 2000 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। दोस्तों, इस मशीन का ग्रॉस व्हीकल टिपिकली लिक्विड वेट 17510 kg है। फ्रंट एक्सल 8005 kg और रियर एक्सल 12457 kg है। इस मशीन का ग्रॉस व्हीकल मैक्सिमम वेट 22870 kg है। फ्रंट एक्सल 8005 kg और रियर एक्सल 14866 kg है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले ताकि वीडियो की जानकारी और किसी को मिल सके। ऐसा कोई मशीनरी या व्हीकल की जानकारी वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए दो।